आप सबको स्वागत है। आज हम 12 मई की शिरोधान में पहुंचे हैं। एक दिन की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि यहाँ पे सेवाएं चल रही हैं, इसमें बिजी हैं हम। तो परमात्मा आज हमें कहते हैं कि हमें ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी मतलब कि जो भी है, घर, संपत्ति, रिलेशनशिप जितने भी हैं, वो सारे के सारे परमात्मा के दिए हुए हैं, तो उनको ट्रस्टी समझ करके उनको संभालना है। मेरा कुछ भी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तब आप कैसे संभालोगे, तब आपकी फीलिंग क्या होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो परमात्मा यहाँ पे कहते हैं कि ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले। परिस्थिति आएंगी लेकिन एकरस स्थिति मतलब ना गुस्से में आना, ना अभिमान में आना, ना ईर्ष्या में, ना घृणा में आना, का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भवा। न्यारा और प्यारा, परमात्मा का प्यारा हो करके अगर हम परमात्मा के दिए हुए गुणों को और शक्ति को इस्तेमाल करते हैं तो उनके हम प्यारे हैं। अगर हम शैतान के, रावण के गुणों को इस्तेमाल करते हैं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, अल्पेपन, तो हम इसका मतलब परमात्मा के प्यारे नहीं है। सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहे जितना मंदिर में पूजा करें, जितना तीर्थ करें, कोई फायदा नहीं है अगर आपके अंदर परमात्मा के गुण अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एकरस रहेगी। जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एकरस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे, वो चीजों से न्यारे रहते हैं, बातों से न्यारे रहते हैं, तेरी मेरी बातों से न्यारे रहते हैं और इसलिए परमात्मा के प्यारे रहते हैं। वो गृहस्थी हैं तो अनेक रस हैं। अगर आपने आपको गृहस्थी समझ लिया, मैं गृहस्थी हूँ, ये सब कुछ मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है, बंगला मेरा है, गाड़ी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, तो अनेक रस हैं उसमें। हर किसी से हम रस लेने की कोशिश करते हैं, बच्चों से रस लिया, धन से रस लिया, चीजों से रस लिया, मेरा मेरा बहुत हो जाता है, हर चीज में मेरा मेरा, और इस कारण से बुद्धि हमारे मेरे मेरे के अंदर एक चक्र में घूमती रहती है, इसको कहते हैं चक्रव्यूह। और क्या होता है, अभिमन्यु चक्र में फंसा था, उसको अभिमान था, सब कुछ मेरा है, धनुष मेरा है, धन भी मेरा है, मेरी कलाएं हैं, मुझे तीर अंदाजी आती है। तो इसी तरीके से हमें भी क्या होता है, हमें भी मेरा मेरा बहुत हो जाता है, ये मेरा है, मैंने इतनी मेहनत करके कमाया है, मैंने बनाया है, मेरा लैंड है, मेरी जमीन है, मेरे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति मेरी पत्नी है, मैंने इतनी मेहनत करी, तो मेरा 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 बहुत हो जाता है। इस कारण से परमात्मा से योग नहीं लगता है। कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार, गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना, ट्रस्टीपन अर्थात एक रस, मतलब कि आप सब कुछ संभाल रहे हो, यानी कि छोड़ छाड़ के भाग गए, सब कुछ संभाल रहे हो, लेकिन उसमें संभालते हुए आपको कोई भी अगर अड़चन आती है, कोई चीजों को कुछ प्रॉब्लम होती है, समस्याएं आती हैं, वस्तुएं टूटती हैं, फूटती हैं, गुम होती हैं, तो उस समय आपको ना गुस्सा आए, ना ईर्ष्या आए, ना घृणा आए, ना नफरत आए, ना ब्लेम वर्क, ना कंप्लेन, कुछ भी ना आपके अंदर हो, तब जाकर आप ट्रस्टी हो। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा, मतलब उसकी स्थिति कैसी रहेगी, ऊंची रहेगी उसकी स्थिति, हमेशा चढ़ती कला में जाएगा। और जो ट्रस्टी नहीं समझेगा, मेरा मेरा समझेगा, वो उलझनों में, चक्रव्यूह में फंसता जाएगा और वो गिरता जाएगा। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी, किसमें, जो कि चढ़ती कला में जाने वाला ट्रस्टी होगा, मेरेपन की ममता नहीं होगी, वो राइट को राइट कह पाएगा, रॉन्ग को रॉन्ग कह पाएगा। उसको ये नहीं होगा कि मेरी चीज है, मेरा सामान है, मेरी जमीन है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे के साथ ऐसे कर दिया, मेरे परिवार के साथ ऐसे कर दिया, वो राइट राइट रॉन्ग रॉन्ग को निर्णय लेने में वो सक्षम होगा, क्योंकि वो ट्रस्टी होगा। वो ये समझेगा सब कुछ खुदा का दिया हुआ है, भगवान का दिया है, अल्लाह का दिया है, परमात्मा का दिया है, और मुझे संभालना है इनको। दुख की लहर भी नहीं आएगी, वो कभी मोह में फंस करके, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, इनके साथ ऐसे क्यों हो रहा है, वो ऐसे नहीं होंगे। वो बिल्कुल तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से देख पाएंगे जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और जो कर्म किया उसका फल उनको मिल रहा है, लेकिन उसमें वो सहयोग करेंगे, यानी कि घिन करेंगे, सहयोग करेंगे उनको उस दलदल से निकालने का। लेकिन मेरापन अगर आ गया, हाय मेरे बच्चे के साथ ऐसे क्यों, हाय मेरी बेटी के साथ ऐसे क्यों, हाय मेरे पति के साथ ऐसे क्यों, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी जमीन के साथ ऐसे क्यों, हाय मेरे घर के साथ, ये सारी चीज उनके संकट में नहीं आती, वो हाय हाय नहीं करते, वो ज्ञान की वजह से वो वाह वाह में होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से इस चीज को सॉल्व करना है। ये सब कुछ आपको ब्रह्म कुमारी को सिखाया जाता है ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। अगर आपकी मानसिक हेल्थ ठीक है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी। ओम शांति के साथ।